हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी बिजनेस स्टडीज की बुक के चैप्टर 10 इंटरनेशनल बिजनेस के इंपोर्ट प्रोसीजर को। तो जो इंपोर्टर होता है उसे गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, मतलब गुड्स को अपनी कंट्री में मंगवाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। इसका फर्स्ट स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी। तो जो इंपोर्टर होता है वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है जिसमें वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एक्सपोर्टर्स के बारे में जो उसे उसे जो गुड्स चाहिए उसे सप्लाई कर सके। और जो इंपोर्टर होता है वो ये इंक्वायरी ट्रेड डायरेक्टरीज और ट्रेड एसोसिएशंस की हेल्प से भी ले सकता है। और ये जो एसोसिएशंस होती है वो आइडेंटिफाई करती है अलग अलग एक्सपोर्टर्स को जो उसे गुड्स को सप्लाई कर सके। तो जो इंपोर्टर होता है वो एक ट्रेड इंक्वायरी फॉर्म सेंड करता है जिससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिगार्डिंग द प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो एक्सपोर्टर को उसे सप्लाई करने हैं। और जो एक्सपोर्टर होता है वो इस इंक्वायरी का जो रिप्लाई होता है वो प्रोफार्मा इनवॉइस के फॉर्म में उस इंपोर्टर को भेज देता है। इसका सेकंड स्टेप है प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिन्हें मंगाने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होती है। गुड्स को तो फ्रीली इंपोर्ट किया जा सकता है एक से दूसरी कंट्री में, पर कुछ गुड्स के लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो इंपोर्टर होता है वो सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से कि जो उसे गुड्स चाहिए लाइसेंसिंग की जरूरत है उनपे, और अगर उसके गुड्स उस लाइसेंसिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो इस इंपोर्ट लाइसेंस को लेने के लिए खुद को रजिस्टर करता है डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड DGFT से या फिर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से और IEC नंबर को ले लेता है। इसका थर्ड स्टेप है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें दूसरी कंट्री से गुड्स को लेना है तो हमें एक्सपोर्टर को उसकी कंट्री की करेंसी में ही उसे पे करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, यानी उस कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़ती है, और इसे हम RBI से ले सकते हैं। और हर इंपोर्टर को एक अप्रूवल चाहिए रहता है फॉरेन एक्सचेंज का अपनी कंट्री में गुड्स को मंगाने के लिए। तो इसके लिए जो इंपोर्टर होता है वो एक एप्लीकेशन दे देता है बैंक को, जो कि हमेशा ऑथराइज होना चाहिए RBI से, जो कि उसे फॉरेन एक्सचेंज इशू कर सके। और इसी के साथ जो एप्लीकेशन होती है उसके साथ इंपोर्टर को अपने इंपोर्ट लाइसेंस की एक कॉपी भी सबमिट करनी पड़ती है। और जब वो बैंक सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेता है तो वो बैंक उस इंपोर्टर को नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज सैंक्शन कर देता है। अब इंपोर्टर जाता है फोर्थ स्टेप पे, जो है प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। अब जब इंपोर्टर को लाइसेंस भी मिल गया है और अप्रूवल भी मिल गया है फॉरेन एक्सचेंज का, तो जो इंपोर्टर होता है वो ऑर्डर, या उसे इंडेंट भी कहा जाता है, उसे प्लेस कर देता है। और इस इंपोर्ट ऑर्डर में वो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट, साइज, ग्रेड, पैकेजिंग, शिपमेंट, इस टाइप की पूरी इंफॉर्मेशन वो एक्सपोर्टर को भेज देता है। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो हमेशा इंपोर्टर का जो बैंक होता है वो एक्सपोर्टर के फेवर में इशू कर देता है। और इस लेटर में जो बैंक होता है वो गारंटी लेता है कि वो पेमेंट कर देगा इंपोर्टर के बिहाफ से। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो इंपोर्टर होता है वो बैंक के पास जाता है, उस बैंक को कहता है कि उसे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है एक्सपोर्टर के फेवर में। और जो इंपोर्टर होता है वो बैंक को ये भी बता देता है कि उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं एक्सपोर्टर से पेमेंट करने से पहले। और जो बैंक होता है वो भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने से पहले दूसरे बैंक्स की एडवाइस लेता है, ताकि वो इंपोर्टर की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में जान सके और जान सके कि वो जिस इंपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है वो भरोसेमंद है या नहीं। एक बार अगर बैंक को पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाता है दूसरे बैंक से तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है इंपोर्टर के बिहाफ से। अब जो सिक्स स्टेप है वो है अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। तो जो इंपोर्टर होता है हमेशा उसे अपनी जो पेमेंट होती है उसके लिए जो फाइनेंसिंग होती है वो पहले से ही करके रखनी पड़ती है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब गुड्स एक्सपोर्टर भेज देता है और वो अगर शिप से आ रहे हों तो जब वो डॉक पर पहुंच जाते हैं या उसकी कंट्री में पहुंच जाते हैं और उसके पास फाइनेंस रेडी नहीं है तो उसे गुड्स मिलते नहीं हैं, और इसीलिए उसे हाई पेनल्टीज पे करनी पड़ती है क्योंकि उसके गुड्स जो रहते हैं वो डॉक पर ही रहते हैं। और एक बार जब फाइनेंस अरेंज हो जाता है तो जो इंपोर्टर होता है वो सेवेंथ स्टेप पर जाता है, जो है
रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। तो जो एक्सपोर्टर होता है जब वो गुड्स को शिप में रखवा देता है तो वो एक शिपमेंट एडवाइस को भेज देता है इम्पोर्टर को। इस एडवाइस में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है रिगार्डिंग शिपमेंट, जैसे कि उस गुड्स का इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, डेट एंड नेम ऑफ वेसल जिससे गुड्स आ रहे हैं। इसके बाद जो 8th स्टेप है वो है रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स। एक बार जब एक्सपोर्टर गुड्स को भेज देता है तो जो एक्सपोर्टर होता है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने बैंकर को दे देता है जो एक्सपोर्टर का होता है, और ये डॉक्यूमेंट जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लेडिंग, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मरीन इंश्योरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे होते हैं। और इसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो दो टाइप्स का हो सकता है, जो है बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइट या ड्राफ्ट, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस। उसके बाद जो 9th स्टेप है वो है अराइवल ऑफ गुड्स। अब जब गुड्स इम्पोर्टर की कंट्री में पहुंच जाते हैं तो जो कैप्टन होता है शिप का वो डॉक ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देता है और उसे कहता है कि वो उन गुड्स को रिसीव कर ले और उसकी पूरी डिटेल्स को रिकॉर्ड कर ले एक डॉक्यूमेंट पे जिसे कहा जाता है इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्टो। और इस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स होती है इम्पोर्टेड गुड्स की। और जब गुड्स पहुंच जाते हैं तो जो डॉक अथॉरिटीज होती है वो इम्पोर्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है, और जो इम्पोर्टर होता है वो एक बिल ऑफ एंट्री बनाता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है इम्पोर्टेड गुड्स की, और वो इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देता है कस्टम ऑफिसर को कस्टम क्लियरेंस लेने के लिए। और जो लास्ट स्टेप है इम्पोर्ट प्रोसीजर का वो है कस्टम क्लियरेंस। तो जो कस्टम ऑफिसर होता है वो उस बिल ऑफ एंट्री को बहुत ध्यान से देखता है और कैलकुलेट करता है कि कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी है इम्पोर्टर को, और जब वो ये कैलकुलेट कर लेता है तो जो बिल ऑफ एंट्री होती है वो उसे अप्रेजर ऑफिसर को दे देता है, और ये ऑफिसर जाके गुड्स को इंस्पेक्ट करता है और वेरीफाई करता है उस बिल ऑफ एंट्री को। और जब ये अप्रेजर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है इन्फॉर्मेशन से जो कि बिल ऑफ एंट्री में दी हुई है, तो वो उस बिल ऑफ एंट्री को रिटर्न कर देता है इम्पोर्टर को ताकि वो पेमेंट्स कर सके। और जो इम्पोर्टर होता है वो इस बिल ऑफ एंट्री को डॉक सुपरिटेंडेंट को दे देता है जो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है गुड्स का। और जब डॉक सुपरिटेंडेंट एग्जामिन कर लेता है गुड्स को तो वो इस बिल ऑफ एंट्री को पोर्ट मैनेजर को दे देता है, जहां पर आखिर में पेमेंट होती है कस्टम ड्यूटी की। और जब पेमेंट हो जाती है तो रिलीज ऑर्डर इशू कर देता है, और इस रिलीज ऑर्डर के बेसिस पर ही इम्पोर्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स ले सकता है। और अगर जो इम्पोर्टर होता है वो पे नहीं कर पाता है इम्पोर्ट ड्यूटी तो जो गुड्स होते हैं वो एक बॉन्डेड वेयर हाउस में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो इम्पोर्टर होता है वो डिलीवरी तभी ले सकता है उस वेयर हाउस से जब वो पेमेंट कर दे रिक्वायर्ड ड्यूटी की। तो इसी के साथ खत्म होता है इम्पोर्ट प्रोसीजर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।